गुलमुल है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज को मजबूत करें। और मैं आज अपील भी कर रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए, उसके फैसले के लिए अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुबहाना उताला इंसाफ करा दे, दुआ करिए कि अल्लाह सुबहाना उताला हमको हमारा हक लौटा दे। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, कई मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं ये बाबरी मस्जिद और मंदिर के बारे में बोलो, मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा और हम देखेंगे फैसला क्या देंगे, फैसला क्या आता है हम भी देखना चाहते हैं। क्योंकि हकीकत तो यह है कि जब 28 और 29 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी, उस वक्त एक कलेक्टर थे, उनका नाम ओपी नैयर था। आपको मालूम वो नैयर कलेक्टर क्या किए, बंद कर दिए। और उसके बाद उस वक्त बीजेपी से पहले जनसंघ थी, जनसंघ ने उनको अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट भेजा। 1986 में ये कांग्रेस के राजीव गांधी की हुकूमत थी। पूछो शिंदे साहब से अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल मेरे पे केस फाइल कर दो आप। क्या किए 1986 में जो जज साहब, सुनो, जो जज साहब जजमेंट लिख रहे थे, उन्होंने कैसा जजमेंट लिखे ताले खोलने का, उन्होंने कागज नहीं देखे, उन्होंने क्या देखे कि मेरे दफ्तर की दीवार पर एक बंदर बैठा हुआ है जो किसी से खाना नहीं खा रहा। फिर वो बंदर उनके घर के दीवार पर दिखा करते उनको, उन्हें खाना नहीं खा रहा, तो उन्होंने समझे ऊपर वाले से इशारा आ गया, इसलिए मैं कुफल खोल दिया। मैं भी बोलूं कि मेरे घर पे आके मोर बैठा, मेरे को बादशाह बनना है, अगर हिंदुस्तान का बाहर है मेरे को। ये अदालत है क्या बोलो आप कि मेरे ऑफिस पे मेरे घर पे बंदर बैठा, तो मैं समझ गया कि प्रभु से कुछ फरमा।